हसनपुर चौक के निकट स्थित सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में शुक्रवार सुबह बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई। आसपास के लोगों ने जब बैंक से धुआं निकलता देखा तो उन्होंने आग की सूचना बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को दी। सूचना मिलते ही बैंक के प्रबंधक राकेश व अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। बैंक अधिकारियों ने दमकल विभाग को आग की सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने आसपास के लोगों की सहायता पर आग पर काबू पाया। अब तक आग पर काबू पाया गया है और तब तक आग में लाखों रुपए का सामान व जरूरी कागजात जलकर राख हो गए हैं। शुक्रवार सुबह सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। बैंक के आसपास के लोगों ने जैसे ही बैंक में धुआं व आग की लपटें देखी, वैसे ही उन्होंने बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों व पुलिस को बैंक में आग लगने की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस व बैंक के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जब तक बैंक के अधिकारियों ने बैंक को खोला तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी और आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई। दमकल विभाग के कर्मियों ने आसपास के लोगों की मदद से लगभग 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया है। बैंक प्रबंधक राकेश ने बताया कि बैंक में बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। उन्होंने बताया कि आग में लगभग 6 लाख रुपए का सामान आग की भेंट। राकेश कुमार, राकेश जी, आप जो सर्व ग्रामीण बैंक है इसमें आप कौन से पद पर कार्यरत हैं? प्रबंधक। तो प्रबंधक जी, जो भी अभी इसमें बैंक में आग जनी हुई है, किस कारण से हुई है, क्या कारण रहा है? ये एक्चुअली सारे कनेक्शन तो ऑफ थे, मगर जो इन्वर्टर कनेक्शन है कहीं वहीं से शॉर्ट सर्किट हुई है और कैशियर कैबिन में क्षतिपूर्ति हुई है। उसके आसपास जो भी सामान थे वो जल गए, बट समय पे दमकल गाड़ी आ गई और पानी के छुड़ाव और ब्रांच खुलने से बहुत सारी चीज़ें बच गई। तो क्या नकदी भी इसमें कुछ इधर कर? नकदी हमेशा सेफ में रहती है, नकदी का कोई प्रावधान नहीं है बाहर रखने का। अच्छा, वो आरसीसी सेफ में रहती है। तो और क्या क्या नुकसान हुआ, कितना करीब नुकसान हुआ होगा? नुकसान कैशियर कैबिन पूरा जल गया, वहाँ की वायरिंग जल गई है, वहाँ का एसी जल गया है, वहाँ का मशीन जल गया है। करीब कितने का नुकसान हुआ होगा? करीब लगभग 5 से 6 लाख रुपये का नुकसान।